YouTube चैनल बी एल बिहारी ऑफिशियल मस्ती में आपका स्वागत है। मैं बी एल बिहारी। तो फिर एक नए खबर लेके हम आ चुके हैं जो कि निर्मली झंझारपुर रेलखंड से। तो निर्मली और झंझारपुर रेलखंड के बीच में एक और पुल डैमेज पाया गया है। उस पुल का भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो हम दिखाएंगे कि इस जो कि निर्मली सरायगढ़ के रेलखंड जो है इसमें लगातार एक न एक पुल डैमेज होने की सूचना आ रहा है। तो इसी बीच में हम आपको दिखाए हुए थे पुल संख्या 111 और 112 जो कि तमोरिया और नेमुआ के बीच में है, और जो कि दूसरा पुल है जो पुल संख्या 7 और 5 है जो कि निर्मली और सरायगढ़ के बीच में है। तो यह सब हम आपको दिखाए हुए थे कि ये दो पुल जो है पुल संख्या 5 और 7 जो बनकर तैयार हो चुका है, उस पर ट्रेन भी दौड़ चुकी है। अब इसमें हम जो आपको नया पुल जो डैमेज हुआ है उसका हम दिखाते हैं वीडियो जो कि झंझारपुर और मिथिला द्वीप हाल्ट के बीच में है। तो वह भी देख लीजिए कि वह पुल किस तरह से डैमेज हुआ है, उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो यह सब जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो हम आपको झंझारपुर से होकर झंझारपुर बाजार हाल्ट और महरेल रेलवे स्टेशन तक सियाराज का भी वीडियो हम बना चुके हैं, गए हुए थे, बल्कि 7 किलोमीटर की दूरी है झंझारपुर और महरेल। तो उस सब का हम वीडियो बनाइए, और करीब पैदल हम 7 किलोमीटर तक चल के गए हैं, सभी वीडियो हम बनाए हुए हैं। तो बहुत ऐसा वीडियो है जो हमने ही आप लोगों को दिखाए हुए हैं, कहाँ पर क्या निरीक्षण किया गया है, कहाँ पर क्या देखा गया है, तो वह सब हम बारे बारे से आप सभी के बीच में एक एक करके हम वीडियो दिखाएंगे और बताते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं झंझारपुर और मिथिला द्वीप हाल्ट के बीच में जो पुल डैमेज पाया गया है उसका आप तस्वीर देख लीजिए, उसका हम वीडियो आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यह मिथिला द्वीप है, और मिथिला द्वीप हाल से जो ट्रेन वह खुल चुकी है, और मिथिला द्वीप हाल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और पुल आपको दिख जाएगा जिस पुल में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और कार्य शुरू है। तो शुरुआती दौर में कहा जाए तो सबसे पहले सूचना जो आए हुए थे वह निर्मली के करीब आए थे, उसके बाद आया तमोरिया के बीच में, और उसके बाद यह एक नया पुल और है जो कि झंझारपुर और मिथिला द्वीप के बीच में है। तो आप देखते रहे वीडियो को, क्योंकि इसी चलती हुई ट्रेन से हमने वीडियो शूट किए हुए थे और वीडियो हम बनाए हुए थे, तो सभी लगभग जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं। तो नए नए खबर और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं। तो अब क्या समस्या है, क्या दिक्कत है जो कि इस रेलखंड पर काफ़ी जो कि रेलवे का घाटा जा रहा है और नुकसान हो रहा है, इसमें कहा जाए या तो इंजीनियर के क्या गलती है, या इसमें लगने वाले जो सामान है जैसे कि सीमेंट बालू वह डुप्लीकेट उपयोग किया गया है, आखिर किस कारण से इस रेलखंड पर लगातार जो कि पुल डैमेज होने की एक एक नए नए खबर आ रहे हैं। तो हम और यह जो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन की चलती हुई रफ्तार, आप देख सकते हैं कि लगभग इस 50 का स्पीड में इस वक्त ट्रेन है, और हम आपको 50 के स्पीड से यानी कि इसमें आवाज़ बहुत ही आ रहे थे, बहुत साउंड आ रहे थे ट्रेन की हवा की, तो हम हवा का जो साउंड है उसका हम म्यूट कर दिए हुए हैं और ख़ुद का आवाज़ लगाते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि पुल जो आ गया है, आप देखते रहे इस वीडियो को, यहाँ पर बिल्कुल 3 पाया का पुल बनाया जा रहा है, यानी कि अब कहा जाए तो इस पर भी एक जिस तरह से निर्मली के समेत पुल बनाया गया है सेम उसी तरह से यहाँ पर पुल भी बनाया जाएगा। एक ये हो गया, ये 2 हो गया, और एक इसके आगे में आपको दिख गया होगा, देख सकते हैं यह 3रा पहिया है, यानी कि यह पुल जो है यह भी पुल एक लंबा पुल बनाने की कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। आपने वीडियो देख ही लिए हैं, तो बताइए अब क्या कहा जाए इस निर्मली और झंझारपुर रेलखंड के बीच में। तो लगातार अभी यह सूचना आ रहा है कि पुल डैमेज का दिख रहे हैं आप वीडियो में ही, तो आप बताइए कि ये गलती किसका हो सकता है, इंजीनियर का हो सकता है, या इसमें काम ही गलती किया गया है, या इसमें कुछ ऐसा मिक्सिंग किया गया है जितना उसका जरूरी था, मानिए कि सीमेंट बालू में कोई कमी किया है, घोटाला किया है, क्या किया है, ये तो आप ही लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि लगातार इस रेलखंड पर पुल डैमेज होने का आशंका आ रहा है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे कॉमेडी वीडियो नहीं देख पाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो बी एल बिहारी ऑफिशियल कॉमेडी सर्च करके भी आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। तो और नया जानकारी आप क्या देखना चाहते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आगे शेयर, लाइक, और हमारे बी एल बिहारी ऑफिशियल
मस्ती और बीएल मैथिली एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।